नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है जाने माने एक्सपोर्टर सीईओ ऑफ गायत्री इंडस्ट्रीज मिस्टर सुनील सिन्हा। आज हम इनसे जानेंगे कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है और अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बिजनेस के फायदे क्या हैं। नमस्कार सिन्हा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। सिन्हा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, जो लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस की, तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस है क्या? लेकिन हम बात जब बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों एक साथ में बोलते हैं, हमको जो लाइसेंस मिलता है उसको भी बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड, आईई कोड बोलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो एक्सपोर्ट एंटायरली डिफरेंट बिजनेस है, इम्पोर्ट डिफरेंट बिजनेस है। दोनों में जो काम करने का तरीका है वो एंटायरली डिफरेंट है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, अपने देश का सामान हम दूसरे देश में भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, दूसरे देश का हम अपने सामान अपने देश में लेके आते हैं उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। तो सिन्हा जी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस में आसान कौन सा बिजनेस है? आसान कोई भी नहीं है बिजनेस, कोई बिजनेस हम बोलेंगे ये बिजनेस आसान है तो सही नहीं होगा, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट है। एक्सपोर्टर क्या करता है कि अपना उसके पास जो सामान है हमारे उसके देश में जो सामान है वो दूसरे देश में बेचता है, तो जब वो दूसरे देश का जो बायर है जब आपसे पूछता है कि आप हमको प्राइस बताइए, स्पेसिफिकेशन बताइए, तो सिर्फ आपसे ही नहीं पूछता, आपके कंट्री में कई लोगों से पूछता होगा, प्लस आप दूसरे कंट्री में भी सिमिलर प्रोडक्ट बनता होता है उनसे भी पूछता होगा। तो ये मार्केट बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट है, तो आपको इतने लोगों से कम्पीट करके बायर को आपको सही दाम में, सही स्पेसिफिकेशन में, सही टाइम पे माल पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है आपको। तो ये एक कम्प्लेक्स बिजनेस है। लेकिन अगर आप इम्पोर्ट की बात करते हैं तो वही वाला था, आपके पास पूरा दुनिया खुला हुआ है, आप किसी भी जगह से जो आपके इंडिया में प्रोडक्ट नहीं है वो आप वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में क्या है, एक्सपोर्ट में आप जो सामान इकट्ठा किए बाहर भेज दिए, और इम्पोर्ट में उल्टा है, सामान वहाँ से लाए आपको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो आपके चॉइस के ऊपर में है। आपका अगर आपके पास सामान है तो आप बाहर भेजेंगे, आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो आप इम्पोर्ट करेंगे। सिन्हा जी, एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए जबकि डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। लेकिन देखिए, है क्या, इंडिया में प्रोडक्शन बहुत सारे प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है, हम सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो इंडिया में लार्जेस्ट है प्रोडक्शन में। अगर हम एग्री प्रोडक्ट की बात करें, राइस की बात करें, वीट, मेज हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हो गया कि हमारे पास सरप्लस प्रोडक्ट है और हम उसको कम्पिटिटिव प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में जान दे सकते हैं। एक तो ये है कि हम एक्सपोर्ट क्यों करें, एक है। दूसरा है, एक्सपोर्ट में बेनिफिट्स हैं, वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स है यहाँ पे। जैसे डोमेस्टिक मार्केट में आप एक ट्रेडर कितना सामान बेचता होगा, है ना, जैसे राइस ही ले लीजिए, एक ट्रेडर 100 टन 200 टन महीने में, उतनी उसका लिमिट है, उतना भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि 200 टन 500 टन एक दिन में सेल करने के लिए ज़्यादा है। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि ये आप जो शिपमेंट करते हैं वहाँ पे, हर शिपमेंट आपका 10 कंटेनर 20 कंटेनर 100 कंटेनर या क्या शिपमेंट भेज रहे हैं तो 12,500 टन 25,000 टन इतने वॉल्यूम में एक सामान अपना एक साथ भेज सकते हैं। और जैसे फ्रेश प्रोड्यूस का ही देख लीजिए, किसी को अगर सब्जी बेचना है या फ्रूट्स बेचना है तो एक ट्रेडर जो है कितना सामान एक दिन में बेच सकता है, तो 100 टन 100 kg 200 kg 500 kg इतने बेच लेगा वो। एक्सपोर्ट में क्या है कि हर दिन 2 टन 3 टन 5 टन इतना माल वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये है कि मतलब डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचने के लिए आपके पास बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए। कैपेसिटी नहीं है डोमेस्टिक में, जितना भी बड़ा नेटवर्क हो आपका, लेकिन उसका मार्केट का कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर बंदे का। सब मिलके जितना करते हैं, जैसे 10 ट्रेडर मिलके जितना बिजनेस करते होंगे
एक एक्सपोर्टर उतना बिजनेस करता है, वॉल्यूम करता है, प्लस इसमें मार्जिन ज़्यादा है एक्सपोर्ट में। आप डोमेस्टिक मार्केट में जितना आपको मार्जिन मिलता होगा, एक्सपोर्ट मार्केट में डेफिनेटली उससे ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा है। और एक चीज़ है कि एक्सपोर्ट एक प्रेस्टीजियस बिजनेस है, इसमें रिस्ट्रिक्ट है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट क्यों देते हैं एक्सपोर्टर्स के लोग, एक जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करता है तो फॉरेन करेंसी लाता है इंडिया में, और फॉरेन करेंसी जितना ज़्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट होता है उतना ट्रेड डिफरेंस ट्रेड डिफिसिट कम होता है। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं जैसे ट्रेड डिफिसिट। इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है, उससे इकोनॉमी वीक होती है। और अगर आपका एक कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो ट्रेड डिफिसिट नहीं होता उसमें, तो कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। ओके, सो एक तरह से देखा जाए तो हम कंट्री को सर्व भी कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर होते हैं फॉरेन करेंसी ला करके कंट्री को सर्व भी कर रहे हैं। तो जब हम कंट्री को इतना सर्व कर रहे हैं, एक एक्सपोर्टर कंट्री को सर्व कर रहा है, तो एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है? जी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर्स को। एक तो है कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंस मिलता है और ईजी फाइनेंसिंग है, और गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, एक्सपोर्ट बेनिफिट देती है, जैसे DBB के फॉर्म में देती है, सब्सिडी के फॉर्म में देती है। एक्सपोर्ट में जब आप करते हैं तब किसी तरह का टैक्स नहीं देते बहुत सारे प्रोडक्ट में, ऑलमोस्ट ऑल मतलब 90% प्रोडक्ट ऐसा इसमें कोई टैक्सेस नहीं है। जी मतलब एक्सपोर्ट GST नहीं है, GST नहीं लगता है, तो या लगता भी होगा तो रिमर्स हो जाता है। तो सिन्हा जी कितने टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं? देखिए अगर आप मैं टाइप तो सब एक ही टाइप के एक्सपोर्टर होते हैं तो नहीं है, नाम हम बुलाते हैं उनको डिफरेंट नाम से टाइप से। जैसे आप कोई अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट करता है तो हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। और कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडर एक्सपोर्टर नहीं बोलते, उसको मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। जी इंडिया में उसको जाकर ट्रेड करता है उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट में हैं तो टर्मिनोलॉजी है एक्सपोर्ट का, उसको मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर किसी और का भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकता है? कोई भी सामान बेच सकता है, क्योंकि वो मैं खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। तो जब मैन्युफैक्चर नहीं करता प्रोडक्ट, लेकिन उसके पास अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स है, खुद नहीं ग्रो कर रहा, राइस है खुद नहीं ग्रो कर रहा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है खुद नहीं बना रहा, मैन्युफैक्चर से लेके वो एक्सपोर्ट करता है, उसको मर्चेंट एक्सपोर्टर बोलते हैं। सिन्हा जी जैसे आपने बताया कि मर्चेंट एक्सपोर्टर किसी और का भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर कोई एक्सपोर्टर बनना चाहता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहता है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे और कहाँ एक्सपोर्ट करे? जी आपका क्वेश्चन का मैं आंसर देने के पहले ये बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग में हम 4P की बात करते हैं। 4P होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों जब मिलता है तभी मार्केटिंग होता है, बिना मार्केटिंग के सेल्स हो नहीं सकता। तो अगर आपको सेल के पहले आपको अपना मार्केट बनाना पड़ता है। हम हमेशा सुनते होंगे सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स डिफरेंट है मार्केटिंग डिफरेंट है। आपको प्रोडक्ट सेल करने के पहले आपको पहले मार्केट करना पड़ेगा प्रोडक्ट। मार्केटिंग के लिए 4P बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर है, वो क्या एक्सपोर्ट करे, तो पहले तो उसको देखना है कि क्या प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, ये भी कर सकते हैं, या वो जैसे दूसरे कंट्री में घूमा है, कहीं गया है, उसको पता चला है कि उस कंट्री में इस चीज़ का अभाव है, वहाँ वो कमाल सामान उसको उस कंट्री में चाहिए, तो अब उसके पास मार्केट है, वो प्रोडक्ट लाएगा तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट खोजेगा, तो दोनों हो सकता है। तो उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि किस प्राइस में बेचें उसको। प्राइस में है कि अगर आप रिच कंट्री को भेज रहे हैं तो डिफरेंट प्राइस होगा आपका, उसके हिसाब से क्वालिटी भी होगा। अगर पुअर कंट्री में भेज रहे हैं तो प्राइस कम होगा वहाँ पे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप बासमती राइस भेजते हैं, आप तो सोचेंगे कि अफ्रीका भेज दें बासमती राइस,
तो उतने ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ लोग खरीदते होंगे बासमती राइस, बासमती राइस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वहाँ गरीब लोग हैं तो बासमती राइस वहाँ खाएंगे नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बासमती राइस, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अफ्रीका में क्योंकि वो लोग गरीब लोग हैं तो सस्ते में सस्ता से सस्ता उनको जो चाहे चावल चाहिए, तो आप ऐसा चावल खोजेंगे जो सस्ते में मिले, तो उसको वहाँ भेजेंगे आप। तो ये डिपेंड करता है, एक तो आपके पास क्या है सामान, तो अगर हमारे पास सोर्सिंग है किसी प्रोडक्ट का, हाँ, तो उसके आपको मार्केट सर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको मार्केट सर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई ऐसा संस्था है जो ऐसा हमारी हेल्प करे इसमें? जी जी, इसमें इंडिया में क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रुप के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे एग्री प्रोडक्ट हो गया, उसके लिए अपेडा है, और जैसे कॉफ़ी हो गया तो उसके लिए कॉफ़ी बोर्ड है, टी है तो टी बोर्ड है, मेरिन प्रोडक्ट्स है तो मेरा एम्पेडा है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो ऐसे ऐसे मतलब इंडिया में बहुत सपोर्ट है, मतलब गवर्नमेंट का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगर कोई प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कहाँ एक्सपोर्ट जी, उसके लिए तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बिकेगा। और ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका कॉफ़ी बेचते हैं तो कॉफ़ी बोर्ड में अगर आप जाते हैं तो उनके वेबसाइट में भी जाके देखिए कि वो कॉफ़ी कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर राइस एक्सपोर्ट करना है तो आप अपेडा के वेबसाइट में जाके देखिए, राइस क्या कोई भी एग्री प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट अगर करना है तो अपेडा की वेबसाइट में जाइए, और सी टी बोर्ड है टी बोर्ड की वेबसाइट में जाइए, जाके आपको आपको पता चल सकता है कि कहाँ जाता है। उसके बाद तो फिर बहुत रास्ते हैं बाहर को कैसे खोजा जाए, उसे मैं आपको और कभी और उसके बाद डिस्कस करेंगे। सिन्हा जी, अगर कोई बिजनेस मैन अगर एक्सपोर्ट बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता है और उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी, तो क्या आप उसे कुछ हेल्प प्रोवाइड कराते हैं या किसी तरह का कंसल्टेंसी आप देते हैं? जी जी, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, अलग अलग तरीका है, मतलब अलग अलग जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, और किसी को अगर चाहिए कि मैं उसका कंपनी सेटअप करके दूँ, उसके लिए बाहर ला के दूँ, उसको हर शिपमेंट में मैं हेल्प करूँ, शिपमेंट कैसे होता है, क्योंकि बिजनेस कम्प्लेक्स है। कोई नया आदमी अगर कोई अगर बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको शुरू में समझ भी नहीं आया कि क्या चीज़ करें कैसे करें, तो उसके लिए मैं बहुत लोगों की हेल्प कर चुका हूँ। तो शुरू से लग जैसे आपके कंपनी के फॉर्मेशन से लेके शिपमेंट कर ऑर्डर लाने लाना शिपमेंट करना पेमेंट कलेक्ट करने तक मैं उनको हेल्प करता हूँ, और तब तक हेल्प करता हूँ कि जैसे जब तक वो एक्सपोर्टर अपने पैर पर नहीं खड़ा हो जाता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, किसी तरह का कंसल्टेंसी चाहिए, तो सिन्हा जी का मेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या लाइसेंसिंग चाहिए, तो इस पर हम आगे की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सिन्हा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बुलाने के लिए जी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।